हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी फर्स्ट ईयर की वीडियोस का तीसरा जो लेक्चर है वो पढ़ेंगे, जिसमें इससे पिछली वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर लेवल वगैरह ऑर्गेनिक लेवल पढ़े थे। तो आज हमने जो पढ़ना है वो होगा टिश्यू लेवल, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। और अगर टाइम मिला तो आगे जाए। तो ये हमारा जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका फोर्थ लेवल है, ठीक है। तो बगैर किसी देरी के हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So now we are going to study about tissue level. It is the fourth level of biological organization, ठीक है जी, dealing with what is tissue, how tissues are produced, how tissues are formed, and what are the functions of tissues, ठीक है। तो जो चौथा level है, ठीक है, fourth level of biological, ठीक है, it is the fourth level of biological organization. ये biological organization का चौथा level था, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह जब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बन रहा होता है तो एक जैसे सेल जिनका एक जैसा काम होता है वो आपस में ग्रुप बनाते हैं और टिश्यू बनता है, ठीक है। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या जी, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, दे कंबाइन एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर नाउन एज टिश्यू, ठीक है। तो डेफिनेशन की तरफ हम बोल सकते हैं, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले टिश्यू डेफिनेशन क्या है, ये ग्रुप है, क्लस्टर है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी, ये मजमुआ है किस का जी, ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल्स का विद सिमिलर फंक्शन, ठीक है जी, एक जैसे सेल जिनका एक ही काम है वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और करते क्या जी, कंबाइन टुगेदर इन शीट और बंडल, या तो वो शीट की फॉर्म में, जिस तरह एक वाइट बोर्ड है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है, या तो वो शीट की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं या फिर ये बंडल्स बनाते हैं। वो जो बंडल या शीट है जिसमें एक जैसे सेल्स मौजूद है, उस बंडल या शीट को हम लोग कहते हैं टिश्यू, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल आपको नाइन्थ रिमाइंड करवाते हैं, वहां पे हमने पढ़ा था मसल टिश्यू, ठीक है जी, नर्वस टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें जो एनिमल्स के टिश्यूज की बात हो रही होती है, तो चैप्टर फोर में वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ते हो, सिंपल कोबाइडल कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है। तो एक जैसे सेल्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पे एक जैसे सेल से मुराद क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, ठीक है। जो नर्वस टिश्यू होगा वो मिलके बना होगा न्यूरॉन्स का, ठीक है, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन का मिलके बना होगा। अब न्यूरॉन आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो एक न्यूरॉन का काम क्या होता है जी, नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, कंडक्ट करना। तो वो जो नर्वस टिश्यू होगा उसके अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो सारे एक ही काम करते हैं, वो क्या जी, न्यूरॉन नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना। तो बेसिकली वो नर्वस टिश्यू एक जैसे सेल से ही मिलकर बना, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। इस तरह आप मसल टिश्यूज की बात कर सकते हैं, ये सारे मसल फाइबर मसल सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो टिश्यू का हमें क्लियर हो गया। अब जो हमारी बुक या सिलेबस में दी गई है उनमें चार एग्जाम्पल्स हैं, उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जी मसल टिश्यू, ठीक है, इंसान की बॉडी पूरी की पूरी मसल से बनी है। तो मसल टिश्यू क्या करते हैं जी, ये मसल फाइबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है जी, किससे मिलके बनते हैं, मसल फाइबर्स, आप इन्हें सेल भी कह सकते हैं। प्लस इनका काम क्या होता है, तो इनका काम है जी कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है जी। मसल टिश्यू मसल फाइबर मसल सेल से मिलके बनते हैं और इनका काम क्या है, बिल्कुल जिस तरह आपने एंटागोनिज्म नहीं पढ़ा था कि कंट्रैक्ट करना रिलैक्स करना, ये बिल्कुल वही काम करते हैं। तो एक मसल टिश्यू जब कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो इसके अंदर जितने सेल्स हैं वो सारे एक ही काम करते हैं। अगर कंट्रैक्शन है तो इस पूरे मसल्स के बाइसेप मसल के सारे मसल्स के जो सेल है सारे कंट्रैक्ट होंगे, और अगर रिलैक्स करने की बारी आई है तो इस बाइसेप मसल के सारे सेल ही रिलैक्स होंगे। ये नहीं होगा कि आधे रिलैक्स हो रहे हैं और आधे कंट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने कहा वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सिमिलर होता है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे ग्रैनुलर टिश्यूज, इनका काम क्या होता है जी, सेक्रीशन प्रोवाइड करना, ठीक है जी, सेक्रीशन पैदा करना, ये काम होता है ग्रैनुलर टिश्यूज का। और ग्रैनुलर टिश्यूज किससे मिलके बने होंगे, ऐसे सेल जो सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब कैसे पता चले जी,
तो एक आसान जो हाई लेवल पे आप लोग पढ़ा के वो सेल्स या वो टिश्यूज ऑर्गन जो सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी, उनके सेल्स में दो चीजें लाजमी ज्यादा होंगी, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूं, जो सेक्रीशन करने वाले सेल्स या ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स में दो चीजें ज्यादा होती है, नंबर वन गॉर्जियोमेटस, नंबर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये दोनों सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नंबर थ्री प्लांट के लिए ऐसे बात करते हैं तो जाइलम है, ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है वाटर प्लस मिनरल, ठीक है। जाइलम टिश्यू क्या करता है, ये पानी और नमकियात को जमीन से पौधे के पत्तों तक लेके जाता है, जहां पे उसे यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस होगी और खुराक बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और लास्ट जो टिश्यू है जी उसकी बात कर लेते हैं, प्लांट टिश्यू, इसका काम भी क्या है, ये कंडक्ट करता है फूड, ठीक है। जो फ्लोएम टिश्यू है ये फूड को कंडक्ट करता है, ये खुराक को जो पत्तों में बनी है उसे जड़ों या पौधे के डिफरेंट हिस्सों तक लेके जाना वो जिस टिश्यू के जिम्मे है वो है जाइलम टिश्यू, सॉरी फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो टिश्यू लेवल है वो खत्म होता है, वो क्लियर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, ये नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था, यहां पे भी नाइन्थ की ही तरह यहां पे भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ योर एफएससी पार्ट वन चैप्टर वन, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, सेम वही डेफिनेशन आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, सिर्फ यहां पर सिमिलर फंक्शन जो है उस सिमिलर को हटा के आपने लिख देना है रिलेटेड और सेल की जगह लिख देना है टिश्यू, ठीक है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं जी, तो हमारी जो ऑर्गन की डेफिनेशन है वो यहां तक है, तो क्या जी स्टार्ट करते हैं, तो ऑर्गन क्या जी, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सॉरी इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है। व्हाट इज अ ऑर्गन, बेसिकली ऑर्गन इज फॉर्म्ड when different tissues working independently but collectively their function are related to at a point at a reaction so they combine to form a structure known as organ, ठीक है। अब इसकी जरा समझने की कोशिश करते हैं, तो group of different tissues, ठीक है जी, group of different tissues, वहां पे हमने कहा था similar cell, तो उसमें तो एक टिश्यू में जितने सारे सिमिलर हैं, ऑर्गन में एक ऑर्गन में एक जैसे टिश्यूज नहीं होंगे, एक ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज होंगे, उन डिफरेंट टिश्यूज का काम वो अपने तौर पे तो उनका काम डिफरेंट होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलेट होगा। आगे हम लोग ऐसे समझने की मजीद कोशिश करते हैं अभी डेफिनेशन की तरफ, ठीक है जी। तो क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन, group of different tissues having related function combined to form organ, ठीक है। मुख्तलिफ टिश्यू जिनका काम कहीं ना कहीं मेल खाता है, आपस में मुशाबत रखता है, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं organ, और एक organ एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है, वो एक से ज्यादा काम नॉर्मली नहीं करता, ठीक है। मैंने नॉर्मली का लफ्ज़ यूज किया, ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही नहीं करता। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल क्या दी जाए, ठीक है, डेफिनेशन समझने के लिए एग्जांपल दी जाती है जी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑर्गन नाउन एज स्टमक, मेदा, ठीक है। मेदे की एग्जांपल ली जाती है, तो हमने अभी बात की थी ऑर्गन की डेफिनेशन में डिफरेंट टिश्यूज होंगे, अगर अकेले देखें तो अलग अलग काम है, लेकिन अगर उनके काम को कंबाइन एक जगह पर देखा जाए तो वो कोई ऑर्गन का काम हो रहा होगा, यही हमने बात की है। चले स्टार्ट करते हैं, तो जो ऑर्गन स्टमक है इट इज अ ऑर्गन, ठीक है जी, यूटिलाइज फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी हम अब नाइन्थ वगैरह आप लोग पढ़ा है, और इवन कि अब आप लोग जानते हैं कि स्टमक किसकी डाइजेशन करता है, स्टमक आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टमक डाइजेस्ट ओनली प्रोटीशनस पार्ट ऑफ अवर फूड, हमारी खुराक का जो प्रोटीन वाला हिस्सा है उसे डाइजेस्ट। अच्छा, स्टमक इज कंपोज्ड ऑफ
three structure, three tissues which are described here. हम यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सबसे पहले जी कनेक्टिव टिश्यू, स्टमक के सबसे बाहर वाले लेयर है उसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब जब कनेक्टिव टिश्यू को हटा दिया जाए, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज को जिस तरह आप ये समझ लें कि आप किसी चीज का छिलका उतारते हो, तो ये समझ लें कि मेदे का जो छिलका है वो कनेक्टिव टिश्यू. जब आप उसका छिलका उतार दिया जाए, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को खींच के उतार दिया जाए, तो नीचे एक दूसरे टिश्यू मौजूद है जिसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज. ठीक है जी, इन्हें हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, मस्कुलर टिश्यू. अब हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू एक डिफरेंट नेचर रखते हैं, मस्कुलर टिश्यू एक डिफरेंट नेचर रखते हैं. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टमक इज कंपोज्ड ऑफ सिक्रीटरी एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है, सिक्रीटरी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनता है. अच्छा, नाउ वी नो दैट द स्टमक इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स. ओके, अब इसके फंक्शन की तरफ आते हैं. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू आपका काम है, इसका आप जानते हैं इसका काम है कनेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना. ठीक है, हमारा स्टमक जो होता है वो उसके थोड़े से रिब्स इस तरह मौजूद होते हैं, तो ये एक तो मेदे को उसी जगह पर फिक्स रखता है, आगे पीछे हिलने से रोकता है. दूसरी बात, खुदा ना खास्ता कभी रिब्स करीब की तरफ आए, जहां से पहले सांस लेते उसकी वजह, या कोई पंच मारे या गिरने की वजह से हमारे जो स्मूथ मसल है, ठीक है, जो मस्कुलर लेयर है, ये स्मूथ मसल है, ये इजीली खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, रगड़ सकते हैं. तो उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए और स्टमक को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है. ठीक है, दूसरी बात, मसल टिश्यूज की बात आती है, तो हमारे पास जो स्टमक है उसके अंदर जो मसल है वो स्मूथ मसल है. इनका काम अभी हमने पढ़ा है मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं. तो जब हम लोग खुराक खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाती है और सिक्रीटरी एपिथेलियल टिश्यूज, सिक्रीटरी एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं जी, ये सिक्रीशन डालते हैं. ठीक है जी, ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस आप समझना चाहें तो उस तरह समझिए, जो खुराक आपने डाली है सिक्रीट करते हैं, सिक्रीटरी एपिथेलियल टिश्यूज सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीशन स्टमक के अंदर हमारा जो फूड है उसके साथ मिक्स हो जाती है. ठीक है, उसके बाद जो मसल टिश्यूज होते हैं ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, तो स्टमक क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, जिसे हम लोग चर्निंग के नाम से पढ़ेंगे. ठीक है, इन चैप्टर 12 नेम डाइजेशन ऑफ ह्यूमन. तो जब स्मूथ मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो खुराक मिक्सअप हो रही है, बल्कि नीचे से ऊपर को ले जाते हैं. सिक्रीटरी टिश्यूज हैं, सिक्रीशन सिक्रीट की जिससे डाइजेशन होगी, मसल टिश्यूज कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, हमारी जो डाइजेशन एंजाइम्स हैं वो खुराक के साथ अच्छी तरह मिक्स होते हैं, वो उसकी अच्छी तरह उसको तोड़ फोड़ देते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज ऊपर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब कंबाइंड काम के वक्त हमारी खुराक जो थी वो डाइजेस्ट हुई. लेकिन अगर आप अलग अलग देखें तो सिक्रीटरी टिश्यूज का काम सिक्रीट करना है, उसका डाइजेशन से कोई काम नहीं है. मसल टिश्यूज का काम कंट्रैक्ट रिलैक्स करना है, डाइजेशन से कोई काम नहीं है. कनेक्टिव टिश्यूज का काम प्रोटेक्ट करना है, डाइजेशन से कोई काम नहीं है. अलग अलग अगर बात की जाए, अब कंबाइन एक जगह पे आते हैं, सेक्रीशन की, मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स हुए, इसमें प्रोडक्शन की, जब तीनों ने अपना अपना काम तो किया अलग अलग, लेकिन तीनों के काम को जोड़ा गया तो एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन का काम बना, और वो क्या था, स्टमक ने डाइजेशन कर दी. ठीक है, तो इस तरह का अगर ये टिश्यूज के अंदर ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज काम करते हैं, वो कंबाइन एक ऑर्गन का काम बन जाता है, और एक ऑर्गन एक काम के लिए ही स्पेसिफाई है. इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द ऑर्गन सिस्टम. ठीक है जी, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है जी, यही डेफिनेशन वैलिड रहेगी, बस टिश्यूज का लफ्ज हटा दें. ठीक है, और अगर आप लोग यही डेफिनेशन इस तरह मैं आसानी से आसान करके बता रहा हूं, तो इतना याद रखना है जब डेफिनेशन में एक दो अल्फाज चेंज हो रहे हो तो इन अल्फाज को लिखते वक्त बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, मार्कर से बोल्ड करें. इस तरह करें कि जब आप दो सिमिलर डेफिनेशन एक ही टाइम पे एक जगह पे लिख रहे हो तो जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, जब वो चेक करने लगे उसे क्लियरली पता चल जाए कि इन दोनों में ये लफ्ज डिफरेंट है. ठीक है, अगर आप बगैर बोल्ड किए करेंगे तो हो सकता है वो दोनों डेफिनेशन सेम समझे और एक को टिक कर दे, एक को गलत कर दे. तो लिहाजा बी केयरफुल. अच्छा, ऑर्गन क्या होता है जी, डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन, मुख्तलिफ ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन है, उनका काम क्या, कहीं ना कहीं फिर वही बात, उनका काम कहीं ना कहीं आपस में कंबाइन हो रहा है, कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, तो वो क्या कहते हैं जी, कंबाइन टू फॉर्म अ वेल फंक्शनिंग सिस्टम नाउन एज ऑर्गन सिस्टम. मुख्तलिफ ऑर्गन हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ वेल फंक्शनिंग सिस्टम नाउन एज ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल किसकी दी जाए,
भी आप लोग समझ गए होंगे, अगर यहाँ पे डाइजेशन की दिखे है तो यहाँ पे भी कोई डाइजेशन ही लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, वो मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनता है। सबसे पहले इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक के बिल्कुल पीछे पैंक्रिया, स्टमक के थोड़ा सा ऊपर लिवर, दोनों बाइल डक्ट के जरिए जुड़ते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रिया, छह ऑर्गन है, फर्ज कर लेते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में छह ऑर्गन है, छह के छह ऑर्गन डिफरेंट काम करते हैं। क्या जी, स्टमक का काम था डाइजेशन करना, ठीक है, इंटेस्टाइन का काम अब्सॉर्प्शन करना, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम वाटर को अब्सॉर्ब करना और फीसेस वगैरह स्टोर करना ताकि इजैकुलेशन हो सके, इजेक्शन हो सके, ठीक है। इसोफेगस का काम एक चीज को पास आउट करने की इजाजत देना, यहां तक भी ठीक है। लिवर और पैंक्रिया का काम है सेग्रीशन निकालना। अब इस सारी बातों में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो गया, तो फिर वही बात जैसे यहां पर समझाया कि जब आपने खुराक खाई, इसोफेगस उसे गुजरने की इजाजत, इसोफेगस ऑर्गन है उसे गुजरने की इजाजत देगी, खुराक इसोफेगस से गुजरकर नीचे स्टमक में आ जाएगी, एक ऑर्गन का काम हुआ। स्टमक ने क्या कर रहा है, उसने अपने टिश्यूज की मदद से खुराक को सेक्रीट करके डाइजेस्ट कर देना, स्टमक ने अपना काम कर दिया, ये दूसरा ऑर्गन का। वो जो खुराक थी अब वो चली गई स्मॉल इंटेस्टाइन में, उधर से पैंक्रिया और जो है हमारा लबलबा, सॉरी पैंक्रिया और लिवर, इनसे सेक्रीशन आ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो सेक्रीशन हमारी खुराक में प्रोटीन तो स्टमक में टूटी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो वो सेक्रीशन जो लिवर और पैंक्रिया से आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो उसे तोड़ देगी। स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक गुजरती गुजरती जाएगी इलियम में, वहां से क्या होगी, अब्सॉर्प्शन होगी, तो ये इंटेस्टाइन अपना काम कर दिया। जो बचा कुचा पानी और वो बाकी फुजला वगैरह वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी अब्सॉर्ब किया, दूसरी चीजों को निकाल दिया। हर ऑर्गन ने क्या किया, अपना अपना अलग अलग काम किया, लेकिन जब आपने उन सभी कामों को जोड़ के देखा तो वो किसका काम बन गया, एक पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम का काम बन गया। यहां तक क्लियर है? और एनिमल्स के अंदर ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है, इट इज, बल्कि वो हमने नीचे लिखा हुआ तो वहां पर बात करते हैं। अब आते हैं प्लांट की तरफ, तो यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है, सेम वही बात जो 9th में पढ़ी है, ठीक है, इट इज एमसीक्यू के विच सिस्टम, विच पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लेस डोमिनेंट, लेस कंप्रिहेंसिव, ठीक है, इज व्हाट इज, इट इज ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। वो कौन सा सिस्टम है जो पौधों में कम वाज़े है, नहीं होता या बहुत सिंपल फॉर्म में मौजूद होता है, तो वो कौन सा जी, ऑर्गन सिस्टम। पौधों के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है कुछ बुक्स के लिहाज से, अगर होता है जो सही बात है कि होता है, लेकिन वेरी लो प्रोमिनेंट, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद होता है, इसमें ज्यादातर ऑर्गन ही सारा काम कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो अ ऑर्गन। प्लांट की बॉडी जो है इन चीजों से मिलकर बनती है जो खुद ऑर्गन है। एग्जाम्पल, रूट, जड़ क्या करती है जी, जमीन में गाड़े रखती है, मिनरल्स वगैरह वाटर को ऊपर ले जाती है। शूट सपोर्ट देती है और लीफ, फ्लावर, स्टेम वगैरह ब्रांचेस को इसमें मौजूद होती है। उसके बाद लीफ है प्रिपेयर फूड, खुराक बनाता है, किस तरह जी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस करता है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फल या बीज बनाएगा, अगली नस्ल पैदा कर देगा। देन इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं जी, तो ऑर्गन जितने भी सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट तौर पे कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल। अब इस इंडिविजुअल में क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है तो उन्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, उन्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों मिलकर काम करते हैं, जबकि और ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं, शॉर्ट टर्म मेरी चुटकी बजाना और लॉन्ग टर्म मेरी ग्रोथ, ठीक है। और प्लांट के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन करते हैं और ये लॉन्ग टर्म रिएक्शन होते हैं, प्लांट में बहुत कम होता है कि शॉर्ट टर्म रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एनिमल्स की आपने कुछ भी एक एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं
तो फर्ज करें कि मैं डंबलिंग कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो जो मेरे मसल्स होंगे उन्हें एनर्जी बनानी पड़ेगी, वो ग्लूकोज ज्यादा यूज करेंगे। जब ग्लूकोज यूज हो जाएगा एटीपी बनेगी, ठीक है, जिससे मुझे एनर्जी मिल रही। लेकिन मजीद ग्लूकोज के लिए डाइजेशन तेज हो जाएगी। नंबर वन, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो मेरा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, दिल के धड़कने की रफ्तार और सांस लेने की, वो बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली ब्लड में ये दोनों चीजें होंगी, वो मेरे मसल्स तक ज्यादा पहुंचेंगी। तो जैसे मैं एक्सरसाइज छोड़ूंगा, ठीक है, सारा कुछ आस्ता आस्ता नॉर्मल होगा। तो इस तरह एनिमल्स के अंदर केमिकल नर्वस दोनों कोऑर्डिनेशन होती है, प्लांट के अंदर सिर्फ केमिकल होती है। नेक्स्ट, इसके बाद पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल है और इकोसिस्टम। मुझे लगता है कि वो इजी होगा आपके लिए, वो आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा जियोलॉजिकल स्केल्स की हम लोग बात करेंगे।